हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन राठौड़ और स्वागत है भाई आपका आज के इस वीडियो में। तो भाई आज के वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले हैं TVS स्पोर्ट का। ये जो कलर है इसका न्यू कलर है और आज के वीडियो में इसका रिव्यू करेंगे, बताएंगे इस बाइक के बारे में, क्या इस बाइक में आपको इंजन मिलता है, टायर्स वगैरह कैसे मिलते हैं, क्या ब्रेकिंग है, सीट वगैरह कैसी है, कम्फर्ट कैसा, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो भाई एंड तक देख लेना ताकि इस बाइक के बारे में आपको सारी डिटेल्स पता चल जाए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको बाइक्स की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना भाई, ताकि आगे भी आपको वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो। तो भाई सबसे पहले थोड़ा सा लुक देख लेते हैं इस बाइक का। और आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे जो लुकिंग है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, हेड के ऊपर वाइजर पे काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं दोनों साइड के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे जो टैंक है इस पे भी काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन ग्राफिक्स की वजह से भाई ये जो कलर्स दिए हैं ना, ये जो कलर है काफ़ी शानदार है, ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे पीछे की साइड में भी आपको पूरा ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पोर्ट की बेजिंग मिल जाती है और इसका मॉडल भाई KLS। तो यहाँ पर ओवरऑल जो लुकिंग है काफ़ी सही निकल के आ रही है। इसके अलावा थोड़ा सा फ्रंट की साइड चलते हैं तो यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी सही है। और उसका नाइट विजन टेस्ट मैंने ऑलरेडी कर रखा है, अगर नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंडिकेटर के बारे में। तो यहाँ पे बल्ब टाइप इंडिकेटर है, ये मैंने ऑन कर दिया, आप देख सकते हो। फ्लेक्सिबल तो नहीं है भाई लेकिन ठीक है भाई, यहाँ पर बल्ब टाइप इंडिकेटर है। ये कुछ स्टाप से काफ़ी वाइड मडगार्ड मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसकी जो चौड़ाई है भाई नॉर्मल बाइक से काफ़ी ज़्यादा है, ये आप देख सकते हो। बाकी है प्लास्टिक का और यहाँ पे ग्लोसी फिनिश मिल जाता है फ्रंट की साइड में और थोड़ा सा पीछे की साइड में यहाँ पे मेट फिनिश के साथ आपको कलर देखने को मिल जाता है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं भाई इसके ब्रेकिंग पे। तो यहाँ पे इस बाइक में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है। और यहाँ पे फ्रंट में आपको 130mm का डिस्क ब्रेक, सॉरी 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है और रियर साइड में आपको 110mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप से इसका ब्रेकिंग सिस्टम है और यहाँ पे काफ़ी सिंपल से अलॉय व्हील आपको देखने को मिल जाते हैं। अलॉय व्हील काफ़ी सिंपल है भाई, यहाँ पे फाइव स्पोक वाले अलॉय व्हील है, आप देख सकते हैं। टायर साइज की बात करें तो फ्रंट में 2.75x17 का टायर साइज देखने को मिल जाता है और TVS के टायर आपको देखने को मिलते हैं भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो। और भाई आपको पता है भाई जो TVS कंपनी है अपने अधिकतर बाइक के अंदर TVS के टायर देती है। सस्पेंशन देख लेते हैं, यहाँ पे फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। और जो फ्रंट का लुक है काफ़ी शानदार है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। यहाँ पे जो वाइजर है फुल ब्लैक मिल जाता है, जो ग्राफिक्स का यूज़ किया फ्रंट में काफ़ी अच्छा किया है। तो यहाँ पे जो फ्रंट का लुक निकल के आता है काफ़ी शानदार निकल के आता है, मुझे काफ़ी सही लग रहा है। बाकी आपको कैसा क्या लग रहा है मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो यहाँ पे 109.7 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आपको देखने को मिल जाता है TVS की तरफ से, काफ़ी अच्छा इंजन है। यहाँ पे 8.3 PS की पावर मिल जाती है और 8.7 Nm का टॉर्क मिल जाता है। तो यहाँ पे जो पावर फिगर है वो थोड़े से कम है, इसको कंपेयर करें भाई अदर जो सेगमेंट में अदर बाइक आती है उनके मुकाबले इसका पावर थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पे जो रिफाइनमेंट है काफ़ी अच्छा है, रिफाइनमेंट मुझे काफ़ी पसंद आया इस बाइक का। इसके अलावा जो माइलेज है इस बाइक का काफ़ी शानदार है, यहाँ पे आप मान के चलो 75 के अराउंड, 80 के अराउंड आपको ये बाइक आसानी से माइलेज दे देगी। और बात करें टॉप स्पीड की तो अप्रोक्स 95 या 100 के समथिंग इसकी टॉप स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट है इस बाइक के इंजन का वो है भाई माइलेज, और इसके अलावा इस बाइक का रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है और माइलेज काफ़ी अच्छा है, इसकी वजह से भाई ये जो बाइक है इतनी ज़्यादा सेल होती है। अब थोड़ा सा गौर कर लेते हैं भाई इसके फ्यूल टैंक के ऊपर। तो यहाँ पे ये फ्यूल टैंक है भाई, ग्राफिक्स देख सकते हो और काफ़ी शानदार है। और इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है आपको 10 लीटर का देखने को मिल जाता है, 10 लीटर का फ्यूल टैंक है। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा कम मस्कुलर है भाई, इतना ज़्यादा मस्कुलर नहीं है, लेकिन ठीक है भाई
देखने के हिसाब से जो लुकिंग है काफ़ी डिसेंट है, और जो ग्राफिक्स है वो आपको इस तरफ भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे ETFI इको थ्रस्ट टेक्नोलॉजी जो इनकी है इसकी बैजिंग देखने को मिल जाती है। और पीछे से भाई कुछ इस टाइप का लुक निकल के आता है, जो राइडर है उसको कुछ इस टाइप का लुक देखने को मिलेगा। तो भाई ऐसा कुछ आपको इसके अंदर फील्ड देखने को मिल जाता है। तो भाई अब थोड़ा सा रिव्यू करते हैं बैक साइड से। और बैक साइड में सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे TVS स्पोर्ट का आपको लोगो देखने को मिल जाता है। काफ़ी शानदार लोगो है, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स आपको इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से सीट ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे की लगा रखी मैंने, जैसे राइट साइड में ओपन करेंगे सीट ओपन हो जाएगी। एक मिनट, ओपन हुआ नहीं है भाई, हो गया। तो ये सीट ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपको इसका एयर फिल्टर वगैरह है, ये कुछ स्विचेज वगैरह है, वायरिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे कोई सामान वगैरह कैरी नहीं कर सकते हैं भाई, करना भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ओपन है भाई, नीचे गिर सकता है सामान। और बाकी सीट को बंद कर सकते हैं, इस टाइप से बंद हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको 5x एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो सस्पेंशन है फुल्ली ब्लैक कलर के अंदर है, जो कि यार बाइक के लुकिंग के हिसाब से काफ़ी शानदार लग रहा है। आप देख सकते हैं भाई लुकिंग काफ़ी शानदार इस बाइक की, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जो लुक से काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पर ये ब्लैक कलर का है तो अलग से नहीं दिखता भाई, बाइक के कलर के अंदर ही मैच हो जाता है। यहाँ पे फुटेज देखने को मिल जाते हैं कुछ इस टाइप से, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे जो चेन कवर है भाई ये प्लास्टिक का है, तो इसमें जंग वगैरह नहीं लगेगा, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक भाई ये जो चेन कवर है आपका साथ निभाने वाला है, काफ़ी अच्छा चलेगा भाई, प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है, छोटा सा साड़ी गार्ड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, ज़्यादा बड़ा होता तो लुकिंग ख़राब होती है भाई। यहाँ पे छोटा सा साड़ी गार्ड है, लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा बैक साइड में चलते हैं, तो यहाँ पे आपको बल्ब टाइप बैक लाइट देखने को मिल जाती है, ये बल्ब टाइप बैक लाइट है, काफ़ी शानदार है, लुकिंग भी काफ़ी अच्छी है। इंडिकेटर फिर से बल्ब टाइप आपको देखने को मिलते हैं। और पीछे का जो भाई ये मडगार्ड है काफ़ी वाइड है भाई, देख सकते हो काफ़ी वाइड मडगार्ड आपको देखने को मिल जाता है, तो कीचड़ वगैरह भाई ज़्यादा ऊपर तक नहीं आएगा, काफ़ी सही चीज़ है ये। छोटा सा यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है। इसके अलावा जो ये ग्रैब रेल है भाई, ये आपको सिल्वर फिनिश के साथ देखने को मिलता है, जैसा कि HF डिलेक्स में आपको देखने को मिलता है। तो ये लुकिंग पे ही ये जो लुकिंग है काफ़ी सही कर देता है, लुकिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, इसकी वजह से काफ़ी सूट कर रहा है भाई ये, देखो इधर से काफ़ी अच्छा लग रहा है। कमेंट करके बताना भाई आपको कैसा क्या लग रहा है। और रियर साइड में ब्रेकिंग के बारे में पहले मैंने बता दिया, 110mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइलेंसर की, तो यहाँ पर साइलेंसर क्रोम फ्रिज के साथ देखने को मिलता है, जो कि यार मुझे काफ़ी सही लगता है। क्रोम फ्रिज के साथ जो साइलेंसर आता है दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है भाई, ये देख सकते हो लुकिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सही लग रहा है भाई। एक बार मैं इसको स्टार्ट करके इसकी आवाज़ भी आपको सुना देता हूँ। तो भाई अभी मैंने बाइक को स्टार्ट कर दिया है, और एक बार आप साउंड चेक कर लीजिए, इसका जो एग्जॉस्ट है किस टाइप का है आप देख सकते हैं। थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ एक बार मैं, तो भाई इस बाइक की जो आवाज़ है काफ़ी प्यारी है, काफ़ी शानदार है, काफ़ी डिसेंट आपको आवाज़ इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाती है, मुझे तो काफ़ी सही लग रही है। बाकी आपको कैसा क्या लग रहा है आपको पता है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं इस बाइक के सीट के बारे में, तो यहाँ पे काफ़ी लंबी सीट आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी लॉन्ग सीट है आप देख सकते हैं, और सीट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल लग तो रही है। बाकी राइड रिव्यू का जो वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा कि इसकी जो सीट की क्वालिटी है, राइडिंग के टाइम कैसी है, कंफर्ट कैसा क्या मिलता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई मीटर कंसोल के बारे में, तो यहाँ पे काफ़ी बेसिक मीटर कंसोल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे स्पीडोमीटर है, बीच में किलोमीटर देखने को मिल जाते हैं, राइट साइड में न्यूट्रल की लाइट है, हाई बीम लो बीम की लाइट है, इंजन मोल फंक्शन की लाइट है, यहाँ पे इंडिकेटर की लाइट है, ये पावर जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, पावर मोड है भाई इसके अंदर ये। और यहाँ पर आपको ये फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। तो मीटर कंसोल है काफ़ी बेसिक है भाई, और यहाँ पर जो वाइजर है इसके यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, तो आप यहाँ पे कपड़ा वगैरह भी रख सकते हो भाई। बात करें स्विचेस की, तो इंडिकेटर का स्विच है, यहाँ पे हाई बीम लो बीम, और इसके अंदर आपको पास लाइट का स्विच भी देखने को मिल जाता है, जो कि यार काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, काफ़ी शानदार चीज़ है, इस सेगमेंट में कमी बाइकों में देखने को मिलता है। यहाँ पर हॉर्न है भाई, इसका छोटा सा हॉर्न है, काफ़ी सही है। यहाँ पर भाई DRL और आपकी हेडलाइट ऑन ऑफ करने का स्विच आपको देखने को मिल जाता है। तो एक बार इसे फंक्शन कैसा क्या काम करता है आपको दिखाता हूँ। तो भाई जैसे अगर इसको आप ऐसा रखते हो तो यहाँ पे आपकी हेडलाइट ऑन नहीं रहेगी, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हेडलाइट बंद है आपकी, ये आप देख सकते हो। और जैसे इस बटन को आप थोड़ा सा इधर करते हो, ऐसा कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आपकी जो हेडलाइट है
वो ऑन हो जाती है। आप देख सकते हैं ये ऑन हो गई है भाई। और यहाँ पे इस बाइक के अंदर आपको डीसी कनेक्शन वाली हेडलाइट देखने को मिलती है, मतलब रेस आप कम रखो ज़्यादा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें काफ़ी पसंद आई मेरे को, डीसी हेडलाइट है तो भाई रेस का यहाँ पे कोई झंझट नहीं है। बाइक कैसे भी आप चलाओ, कम आरपीएम पे चलाओ हाई आरपीएम पे चलाओ, यहाँ पे जो हेडलाइट है उसका उजाला भाई बिल्कुल आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो भाई एंड में बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे ये जो वेरिएंट है ये भाई किक स्टार्ट वेरिएंट है, उसकी हमारे जयपुर में जो ओनर प्राइस है वो अप्रोक्स 61,500 रुपये, और बाकी 1,500 रुपये का भाई डिफरेंस इसकी प्राइस में चलता रहता है। और एक्चुअल अगर आपको प्राइस चाहिए तो भाई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप शोरूम से, और शोरूम के सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जहाँ से बुकिंग भी करवा सकते हैं और आप टेस्ट राइड वगैरह भी ले सकते हैं। तो भाई ये था इस बाइक का रिव्यू, सारी चीज़ें मैंने इस बाइक के बारे में आपको बता दी है। फिर भी कोई डाउट रह गया, कोई कन्फ्यूजन है या फिर कुछ मेरे से मिस हो गया हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। या फिर डिटेल से बात करना चाहो तो इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ पे भी आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, और इस वीडियो को लाइक का टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 300 लाइक, तो जल्दी से यार 300 लाइक कंप्लीट करवा दो, उसके बाद इसका राइड रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे भी आपको वीडियो देखने को मिलते रहे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।